हेलो एवरीवन टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ शेयर फोर्स एंड डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट तो सबसे पहले स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ शेयर फोर्स शियर फोर्स एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज द अल्जेब्रिक ऑल वर्टिकल फोर्सेस ऑन द बीम एक्टिंग ऑन द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन इट मीन्स शेयर फोर्स बीम के कोई भी क्रॉस सेक्शन पे सभी वर्टिकल फोर्सेस जो या तो सेक्शन के राइट में हो या लेफ्ट में हो उन सभी का अल्जेब्रिक सम होता है इसका दूसरा डेफिनेशन ऐसा भी हो सकता है शेयर फोर्स इज द रिजल्ट वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ बीम इट मीन शेयर फोर्स ये सभी वर्टिकल फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है जो कि बीम के सेक्शन के कोई भी एक साइड में एक्ट करता है और अब यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स दिखाई दे रही है ये दोनों डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों डायग्राम से आप पता कर सकते हैं कि शियर फोर्स कैलकुलेट करते समय फोर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन क्या लेना तो पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे है सेक्शन एक्सएक्स एक फोर्स है और right तो राइट साइड में एक फोर्स नीचे और राइट साइड का फोर्स अपवर्ड जा रहा है ऐसे कंडीशन में आपको शेयर फोर्स निगेटिव में लेना है तो पहले डायग्राम के लिए स्टेटमेंट ऐसा रहेगा एन अपवर्ड फोर्स टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन एंड डाउनवर्ड फोर्स टू द राइट ऑफ द सेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव और दूसरे डायग्राम के लिए स्टेटमेंट ऐसा रहेगा डाउनवर्ड फोर्स टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन एंड अपवर्ड फोर्स टू द राइट ऑफ द सेक्शन इज टेकन एज निगेटिव ये साइन कन्वेंशन अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम में शेयर फोर्स फाइंड आउट करते समय फोर्सेस को पॉजिटिव कब लेना और निगेटिव कब लेना ये आपको समझ में आ जाएगा और अब स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग कोई भी क्रॉस सेक्शन पे सभी फोर्सेस जो या तो सेक्शन के राइट में हो या लेफ्ट में हो उन सभी के मोमेंट का अल्जेब्रिक सम होता है तो इसके लिए यहाँ पे दो डायग्राम्स दिए हैं पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं सेक्शन एक्स एक्स के लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट और राइट right साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इनको पॉजिटिव में लिया जाएगा और दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं सेक्शन के लेफ्ट साइड साइड में -clockwise moment और right side में clockwise moment इनको negative में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मोमेंट मोमेंट और राइट इनको लिया जाएगा तो इसके लिए स्टेटमेंट ऐसा रहेगा पहले डायग्राम के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट टू द राइट ऑफ द सेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव और दूसरे डायग्राम के लिए स्टेटमेंट ऐसा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन एंड क्लॉकवाइज मोमेंट टू द राइट ऑफ द सेक्शन इज टेकन एज पे दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है है उसमें पहला पॉइंट ये अपवर्ड फोर्स टू एनी साइड ऑफ अ सेक्शन प्रोड्यूसेस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट द पोर्शन ऑफ द बीम डिफ्लेक्ट्स इन द सेगिंग पैटर्न ड्यू टू दीज फोर्सेस इसका मतलब सेक्शन के कोई भी साइड में जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा ऐसे फोर्स के वजह से बीम सैगिंग पैटर्न में डिफ्लेक्ट करेंगी और दूसरा पॉइंट यह है कि डाउनवर्ड फोर्स टू एनी साइड ऑफ अ सेक्शन प्रोड्यूसेस निगेटिव बेंडिंग मोमेंट द पोर्शन ऑफ द बीम डिफ्लेक्ट इन द हॉगिंग मैनर ड्यू टू दीज फोर्सेस इसका मतलब सेक्शन के कोई भी साइड में जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा ऐसे फोर्सेस की वजह से बीम हॉगिंग पैटर्न में डिफ्लेक्ट करेंगी इससे फाइनल कंक्लूजन ये बनता है कि सेगिंग बेंडिंग मोमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव वाइल हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट इज टेकन एज नेगेटिव। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने आपको डेफिनेशन ऑफ शेयर फोर्स एंड डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताया है उम्मीद करते हैं कि दोनों डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होंगी ये काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में भी आते हैं ये डेफिनेशंस और इनका साइन कन्वेंशन अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम में आसानी से एस एफ डी यानी शेयर फोर्स डायग्राम और बीएमडी यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ थैंक यू वेरी मच